नमस्कार दोस्तों, आज हम स्पेशल फायर क्रैकर्स बिजनेसमैन के लिए ये सॉफ्टवेयर लेके आए हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारा फायर क्रैकर्स के जो बिजनेस है उसके अंदर जो रिटेल का बिजनेस करेंगे उसको भी काम लगेगा, जो लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको भी ये सॉफ्टवेयर काम लगेगा, और यही सॉफ्टवेयर जो लोग इसका होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसको भी काम लगेगा। ये सॉफ्टवेयर के अंदर पॉइंट ऑफ सेल से लेकर सेल्स इनवॉइस, होलसेल की इनवॉइस सभी यूटिलिटीज डाली हुई है, और लेबल जो आप खुद बनाकर डाल सकते हो, प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हो, वो सब चीज भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई हुई है। तो ये सब चीज हम आज आपको लाइव करके बताने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है हमारा सॉफ्टवेयर फायर क्रैकर्स बिजनेस सॉफ्टवेयर। यहाँ पर ये आप देखोगे, यहाँ मास्टर है, यहाँ पर अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर सभी टाइप के सप्लायर की डिटेल, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं, उसका अकाउंट वगैरह बैलेंस भी कर सकते हैं। तो पूरा अकाउंटिंग की डिटेल आ जाती है, सप्लायर एक्सपेंस वगैरह, यहाँ पर आइटम्स है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट डाल देने हैं। जैसे ये स्पार्कल्स है तो ये स्पार्कल्स मैंने उठा लिए दोस्तों, और ये स्पार्कल्स यहाँ पर मैंने डाल दिए, इसका इमेज डाल दिया, जो भी प्राइस है वगैरह डाल दिए मैंने। यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ, एक चक्कर करके डाल देता हूँ, तो चक्कर करके ये प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट मैंने डाल दिया, यहाँ पर अपडेट कर दिया दोस्तों। ये सबका बारकोड भी मैं बनाऊंगा। ये देखो, एक फ्लावर पॉट का मैंने प्रोडक्ट बना लिया। काफी सारे प्रोडक्ट हम इस तरीके से डाल सकते हैं। तीनों प्रोडक्ट बना लिया, मैं अब परचेज में चला जाता हूँ, ट्रांजेक्शन परचेज। यहाँ पर से पूरा मैं स्टॉक की एंट्री कर सकता हूँ कि भाई ये रहा, ये रॉयल फायरवर्क्स है, उसके पास से मैंने ये तीनों प्रोडक्ट परचेज कर लिए दोस्तों। तो इस तरीके से मैं ये पूरा परचेज डाल सकता हूँ। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये परचेज डाल दिया, इससे स्टॉक ऐड हो जाता है। मैं यहाँ कंपनी वाइज भी डिटेल डाल सकता हूँ। अब मैं ये जो प्रोडक्ट डाले हुए आइटम्स उसके अंदर मैं बारकोड सबसे पहले निकालता हूँ। यहां पर मैं चला जाता हूँ सॉफ्टवेयर के अंदर, स्क्रीन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, ग्रुप के अंदर मैं डाल देता हूँ स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। देखो, स्पार्कल्स, चक्कर्स, फ्लावर पॉट्स, मुझे सभी के साथ साथ प्रोडक्ट के लेबल सपोज प्रिंट करने हैं तो मैं साथ साथ डाल दूंगा, जितने भी स्टॉक में डाले होंगे परचेज में वो पूरा आ ही जाता है। अब मैं प्रिंट दबाऊंगा, प्रीव्यू, ये देखिए पूरा लेबल बन के आ गया है, रेडी हो गया। यहाँ पर ये साइड पे हमने प्रिंटर लोड किया हुआ है और इस टाइप की लेबल शीट डाली हुई है। ये लेजर लेबल शीट है दोस्तों, ये लेजर की लेबल शीट है। तो इस तरीके से लेबल हो जाएगा। हालांकि लेबल रोल के अंदर भी प्रिंट हो जाते हैं, आप रोल लेके आओगे, प्री प्रिंटेड रोल होगा, मैन्युफैक्चर होगे तो उसके नाम से भी लेबल इसी सॉफ्टवेयर में से प्रिंट हो सकते हैं। मैं ये इसको प्रिंट दबा रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये प्रिंट जा रहा है। गुड, तो ये देखिए, ये प्रिंट होके आ गया, यह प्रोडक्ट आ गई है, प्रोडक्ट चक्कर, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लावर पॉट, ये लिखा हुआ है स्पार्कल। तो हम तीनों को यहाँ पर प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते हैं। जैसे ये है फ्लावर पॉट, तो फ्लावर पॉट का ये लेबल है तो मैं इसको यहाँ पर ये लगा देता हूँ इस तरीके से। ये है स्पार्कल, तो स्पार्कल के ऊपर ये रहा, तो ये प्रोडक्ट का मैंने लेबल लगा दिया, इससे स्टॉक भी मैनेज हो जाता है दोस्तों। ये देखिए, ये हो गया चक्कर, तो चक्कर के उस ऊपर भी मैं डाल देता हूँ ये वाला लेबल। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने ये प्रोडक्ट बना लिया। अब मैं सबसे पहले आपको रिटेलिंग बता देता हूँ। तो अब मैं ये सॉफ्टवेयर में ही चला गया,
अब मैं यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन में जा रहा हूँ दोस्तों। ये दो इनवॉइस ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं तीसरा इनवॉइस बना देता हूँ। न्यू का बटन दबा दिया, सीधा यहाँ बारकोड के ऊपर कर्सर आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, हमें ये जो प्रोडक्ट कस्टमर जो लेके आता है उसको सीधा स्कैन ही करना है। ये देखिए, आप दिखाओगे यहाँ पर, ये स्कैन में सीधा प्रोडक्ट लोड हो रहा है। ये दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, ये तीसरा प्रोडक्ट ले लिया, ये दोनों दिखे उस तरीके से कीजिए ताकि पता चले कि स्कैन भी हो रहा है, यहाँ पे लोड भी हो रहा है। तो थोड़ा आप उठ के यहाँ ऐसे जाना पड़े तो भी चले जाएंगे। ये देखिए, ये स्कैन हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी बढ़ रही है दोस्तों। ये देखिए, ये इस तरीके से ये लोड हो जाता है प्रोडक्ट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के इनवॉइसिंग बन गया। यहाँ पर टोटल आ गया 1200 रुपया। ये व्हाट्सएप भी हो जाता है, प्रिंट क्यूआर कोड भी हो जाता है। मैं यहाँ सेव का बटन दबाऊंगा, यहाँ पर प्रिंट का बटन दबाऊंगा। ये देखो ये इनवॉइस बन गया और यहाँ पर ये क्यूआर कोड भी आ गया। ये क्यूआर कोड स्कैन करने से सीधा आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट भी आ जाता है, उसके साथ भी आप लिंक कर सकते हो। तो पूरा जीएसटी विदाउट जीएसटी सब फीचर्स इसी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। तो ये हो गया रिटेल का काम। रिटेल के बाद अब मैं स्टॉक में जाके देखूंगा यहाँ पर, तो मुझे सर्च के अंदर भाई मैंने एकदम कंपनी नेम में स्टैंडर्ड लिख दूंगा, तो मुझे स्टैंडर्ड कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स के कितने मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना आउट क्वांटिटी हो गया, कितना इन क्वांटिटी था, उसका पूरा डिटेल आ जाता है। मल्टीपल पीसी हुआ तो यही सॉफ्टवेयर कॉपी करके आप मल्टीपल पीसी के अंदर डाल सकते हो, शाम को सबका टोटलिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से रिटेल हो गया। अब मैं होलसेल का बता देता हूँ। यहाँ ट्रांजेक्शन के अंदर मैं सेल में चला जाता हूँ, न्यू का बटन दबा दिया, यहाँ पर पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लिया और ये प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ भाई, ये 15। ये देखिए यहाँ पर मैं रेट 150 की जगह 140 भी कर सकता हूँ, डिस्काउंट भी अलग से देना है तो मैं दे सकता हूँ। ये रेट आ गया, कितना इजीली फास्ट इनवॉइसिंग बनता है वो आप देखिए दोस्तों। यहाँ पर भी मैं बारकोड से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई ये फ्लावर पोर्ट है, तो मैं फ्लावर पोर्ट पर सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए फ्लावर पोर्ट कितने 15 है, उसका रेट आ गया। डिस्काउंट वगैरह डालना है डाल दिया। यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा मैनेज हो जाता है। देखो यहाँ पर ये जीएसटी लगाया हुआ है तो एचएसएल कोड नहीं है तो वो सॉफ्टवेयर लेने नहीं दे रहा है, बिकॉज ये जीएसटी बेस्ड प्रोडक्ट है। तो ये सब हमने लगाया हुआ है, जीएसटी नहीं है तो भी उसके बगैर भी सॉफ्टवेयर काम करता है। अब मैं सेव करूंगा तो ये होलसेल का काम हो गया, ये फाइल बन गई दोस्तों इनवॉइस की। ये देखो कितना बढ़िया ग्राफिक्स भी बनाया हुआ है। इसको हम प्रिंटिंग में लेके जाते हैं, ये पेपर रख रहा हूँ, यही प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर यदि आपके पास है तो बारकोड भी उसी में से निकल जाता है, और समझो आपको स्पेशल बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाने हैं तो आप अलग से लेबल प्रिंटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, ये पूरा इनवॉइस प्रिंट हो गया तो ये हो गया होलसेल और मैन्युफैक्चरर दोनों को ये इनवॉइस काम लग जाएगा। इसमें पूरे जीएसटी की डिटेल वगैरह आ जाती है, आईजीएसटी सब अपने आप ले लेता है, बैंक की डिटेल वगैरह आ गया। और यहाँ पर आपका यदि ई इनवॉइसिंग है तो क्यूआर कोड भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया आपका होलसेल का काम। अब हम चले जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर से रिपोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं भाई, हमने आज के दिन कितना सेल किया, रिपोर्ट्स, सेल समरी, आइटम वाइज कौन से प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है वो दिखाई देगा। तो पूरा MIS एनालिसिस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग लेवल के ऊपर भी आपको सब डिटेल्स मिल जाएगी। अच्छा, इसके सेल्स और परचेस दोनों के मॉड्यूल के अंदर अदर चार्जेस करके एक फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप TCS और उसके हिसाब से इसे जितने भी गवर्नमेंट के अलग अलग लोकल दूसरे भी टैक्सेस होते हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हो सेल्स और परचेज दोनों के विंडो में। दोस्तों इसी सॉफ्टवेयर के अंदर जीएसटी के सब रिपोर्ट भी निकलेंगे, यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स है। तो कुल मिलाकर के पूरा अकाउंटिंग मैनेज होने वाला है, आउटस्टैंडिंग वगैरह सब चीजें मैनेज हो जाएगी, इन्वेंट्री मैनेज हो जाएगा, बारकोडिंग मैनेज हो जाएगा,
रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग तीनों बिजनेस टाइप इसी के अंदर आपके आ गए। तो बहुत ही कम प्राइस रखी हुई है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने लिंक दी हुई है, वहां से सीधा आप डाउनलोड कर लो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसके भी वीडियो की लिंक वहां पर ही होगी। आप यूज करना स्टार्ट करो, अच्छा लगे तो आपको सीधा पेमेंट करना है। कोई भी सपोर्ट चाहिए तो हम व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें 9727955514 के ऊपर मैसेज करोगे तो हम आपको पूरा सपोर्ट भी कर देंगे दोस्तों, और पूरा सिखाएंगे सॉफ्टवेयर पूरा कैसे ऑपरेट होता है। थैंक यू वेरी मच।